चैनल सब्सक्राइब करें, ये सब्सक्राइब लाल बटन को दबाएं और उसके बाद नोटिफिकेशन आए तो बेल आइकन दबाएं, जैसे कि हम लोग के नवे नोटिफिकेशन आपको दिखेंगे नोटिफिकेशन पैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने जाता हूँ कि कैसे हम लोग ग्रब लोडिंग एरर 15 ये बाईपास करें। ये जब कई को आता है तो हम लोग 100x86 पर जाके भूल चुके ग्रब और 100x86 64 बिट वो डिलीट कर देते हैं अपने हार्ड डिस्क पर। तो ये हम लोग रिस्टार्ट करते हैं तो ये फिर से नहीं आ रहा है। तो इसे हम लोग कैसे इसे सॉल्व करें, सॉल्व के लिए ना सबसे पहले दोस्तों आपको चाहिए विंडोज 7 32 बिट प्रोफेशनल, और आपका विंडोज 10 है तो विंडोज 10 प्रोफेशनल का USB CD और USB फ्लैश ड्राइव चाहिए। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि मैं फिर से ऑन करके हाफ करता हूँ तो तब भी वही एरर आएगा। तो देखिए ये फिर से ग्रब लोडिंग एरर 15 दिखलाता है। तो सिंपली आप इसे फिर से हाफ करें, ऑफ करते दे रही आपको USB फ्लैश ड्राइव हमने इसमें लगाए और लगा दे रही इसे ऑन करें। ऑन कर दे रही आपको लोग आते से F12 दबाना होगा और F12 दबा दे रही ये बूट मेन्यू पर जाएगा और ये USB पर आपका Toshiba ट्रांस मेमोरी आपका पेन ड्राइव का नाम दिख लेगा। तो इसे एंटर दबाए और एंटर दबा दे रही है प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। तो एंटर दबाए और एंटर दबा दे रही है विंडोज लोडिंग फाइल्स दिखलाता है। और ये लोडिंग होकर आपका सेटअप आएगा। और सेटअप आते दे रही आप नेक्स्ट पर जाएं और नेक्स्ट पर जाने दे रिपेयर योर कंप्यूटर हैगा लेफ्ट साइड नीचे पर उसे क्लिक करें और क्लिक कर दे रही है सर्च फॉर विंडोज इंस्टॉलेशन दिखलाएगा। तो इसे वेट करें और ये होते दे रही आपका विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिखलाएगा और पार्टीशन साइज और लोकेशन दिखलाएगा। इसे सिंपली नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कर दे रही कमांड प्रॉम्प्ट जाए ओपन करें। ओपन कर दे रही आपको टाइप करना होगा बूट रेक BOOTREC। चार दे रही इसे एंटर दबाए और एंटर दबा दे रही उसके बाद लिखे boot rec slash fix MBR boot rec ये लाइन जाए और उसके बाद fix boot जाए boot rec लाइन fix MBR लिखे और इसे एंटर दबाए और एंटर दबाए तो ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और वो दबा दे रही फिर से टाइप करें बूट रेक फिर वो लाइन फिर फिक्स बूट और सिंपली से एंटर करें। एंटर कर दे रही आपका दिखलाएगा द ऑपरेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली और उसके बाद आप एग्जिट दबाएं EXIT एग्जिट क्लिक करें और क्लिक कर दे रही आप रिस्टार्ट करें। और ये हम लोग का कंप्यूटर स्टार्ट हो गया और आप देख ही सकते हैं हम लोग का विंडोज़ OS बूट हो गया है पूरी तरह से। OS हम लोगों का सक्सेसफुली बूट हो गया है। तो ये रहा
का विंडोज सक्सेसफुली बूट हो गया है। तो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर आपको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद हम लोग का वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करें भूले मत। तो धन्यवाद। तो और इसमें ही लोको डिस्की में ही मैं 128 सारा भूल चुके डिलीट हो गए थे। तो ये मान नहीं सका ही डिलीट होकर रिस्टार्ट करने टाइम ये एरर आ गया। तो इसे फिक्स भी हो गया। तो देखने के लिए धन्यवाद।